जो जिसमें से आत्मा निकल जाती है शरीर निकलने से, और शरीर में से आप चाकू मारो तो कोई कष्ट होगा? जवाब दो, मरे हुए व्यक्ति को चाकू कैंची से काट लो, कष्ट होगा? काटो पीटो, इसीलिए तो मरने के बाद वो करते हैं पोस्टमार्टम, कितना भी चीर लो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको अनुभव होता है वो जा चुका है। अब जिसको अनुभव करना है वो यात्रा कर रहा है, तो वैतरणी नदी में उसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है वो तो वो जानता है। बड़ा कष्ट उठाता है, बड़ा कष्ट उठाता है उसके बाद। लेकिन जो गौदान कर देते हैं वो क्या होता है, जो मनुष्य गौदान करता है उसको वैतरणी नदी पार कराती गौ माता। ये कथा याद आ रही है मुझे, सुनाओ, इससे समझ में आता जाएगी वैतरणी पार कैसे होगी, जरा सुनो। कई लोग बड़े कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं वो जमा कर करके मर जाएंगे पर अच्छा काम नहीं करके जाएंगे। क्या जा रहा, हमारे माँ बाप हमारे साथ नृत्य नहीं करते, हर खुशी में हर अच्छे समय में नृत्य करते हैं कि नहीं, तो वो गलत हो गया क्या? अगर वो भगवान है, अगर तुम उसे भगवान मानते हो तो वो सबके साथ नृत्य कर सकता है जो उस लायक होगा, क्योंकि वो तो सबका माता पिता है, फिर वो रॉन्ग कहां से हो गया? दूसरा अगर कहो नहीं 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 हम भगवान नहीं मानते, तो चलो मानव मानते हो, बोले हाँ मानव मानते, चलो मानव के स्टैंडर्ड से समझ लेते हैं। जिस समय श्री कृष्ण ने रास किया उस समय कृष्ण की आयु 7.5-8 साल थी, कितनी जोर से बोलो, किसके घर में 8 साल के बच्चे हैं? है? आपके बच्चे स्त्री पुरुष में भेद समझते हैं कि 8 साल के? मैं 7.5 और 8 के बीच की बात कर रहा हूं, लेकिन आपके घर में जो बच्चे हैं वो स्त्री पुरुष में भेद समझते हैं? वो उसमें कोई वयस्क पुरुष वाली भावना आ सकती है क्या? जवाब दो, तो भी बात सिद्ध नहीं होती। अगर भगवान मानते तो भी बात सिद्ध नहीं होती, और अगर साधारण मनुष्य मानते तो भी बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि 7-8 साल का बालक क्या करेगा। और सुनिए, जिस रास की चर्चा हम और आप कर रहे हैं उस रास में गोपियों की आयु कितनी थी जानते हो? 6.5 साल से लेके 6.5 साल से लेके 120 साल तक, कितनी कितनी, यहां एक भी 120 का नहीं था। ऐसी भी गोपी रास में सम्मिलित हुई जिनके मुंह में दांत नहीं थे, और वो भी कृष्ण के रास में सम्मिलित हुई। अब बताना वो कौन सा रास रहा होगा, मूर्खानंद आदमी समझेंगे इस बात को। तब भगवान ने बांसुरी वादन किया पूर्णिमा की रात्रि में रहकर नित्य भगवान के धाम से जुड़े रह सकते हैं वृंदावन से। नित्य सुबह शाम की आरती का दर्शन आपको करना चाहिए प्रिया कांजू के मंदिर का, आप वहां से नित्य मंगल आरती का दर्शन होता है, वहां पे दर्शन आते हैं भगवान के। प्रिया कांजू का अपने खुद का फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम भी उन्हीं के नाम का है, आप वहां जाइए सुबह शाम मंगला का दर्शन करिए और ये फील करिए कि आप वृंदावन में ही है। और सुबह शाम जब मंगला होती है मुझे नहीं लगता कि आप काम पे होते होंगे उस समय, दोनों ही समय आप घर में होते होंगे, ऐसा टाइमिंग सेट है यहां का। और हर पूर्णिमा के दिन जो वहां कीर्तन होता है वो कीर्तन में भी वहां रात में होता है, तो यहां शाम सुबह के समय होता होगा, तो मुझे भी पूरा टाइम नहीं सेट, क्योंकि रात के 8 बजे वहां होता है, तो यहां के बजे होते हो 6:30 सुबह का, तो 9 बजे भी शुरू होता होगा, तो यहां बजाएंगे 7, ठीक। तो वो भजन लगाओ पूर्णिमा का अपने घर में, YouTube पे लाइव आता है, और आप ये समझो चैतन्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे ब्रज की गोपियों तुम्हारा स्वागत है, बताओ तुम कैसे आई हो। भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर कई श्लोकों में गोपियों को पति धर्म कैसे निभाना चाहिए बताया।
हर स्त्री को अपने पति को ही भगवान मानना चाहिए, इस बात का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो गोपियों ने प्रश्न किया, शरीर का पति या आत्मा का पति है? जो जो मानती हूं बात उठाए, नहीं तो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी परमात्मा ही हो। तुम्हें तो अपने ही पति में परमात्मा दर्शन होता हो तो ये भी परमात्मा बहुत बड़ी बात है। किस किस को अपने पति में परमात्मा नजर आते हैं, ध्यान रखते नीचे करवा सब नीचे करवा। कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है, ईमानदारी से बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं, एक ही उठाइए, मैं एक से ही काम चला लूंगा। पर मेरा निवेदन है आप जाओ एक मिनट वहीं से सुन लो प्लीज। इतने तो हिंदू हो, शायद तुम कि अपने धर्माचारों की बात मान लो, नहीं चलो अच्छा तो जहां हो वहीं से सुनो नीचे करो। हम सबकी ये ड्यूटी बनती है। अभी आपको पता नहीं है, मुंबई में एक भैया मोबाइल बंद रखो भैया, श्री कृष्ण पितृपक्ष और भागवत का महत्व दर्शकों को बताएं। पितृपक्ष का मतलब है कि हमारे जो पितृगण हैं, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, जिनके कारण हम इस जीवन में हैं, संसार में हैं, उनके अस्तित्व के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। तो इन 15 दिनों में धर्मराज की अनुमति लेकर हमारे पितृ जो भी हमसे पूर्व हुए हैं, वो इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आते हैं कि हमारे वंशज कर क्या रहे हैं। और वो हमारी किसी भी क्रिया को देखकर हमसे प्रसन्न होते हैं और बुरे कर्म को देखकर हमसे अप्रसन्न होते हैं। और वो प्रसन्न हों इसके लिए ही ये 15 दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक मनुष्य जाति में जन्म लेने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और इन दिनों में किया हुआ कथा श्रवण हमें बहुत गुना फल देता है और पितरों को मुक्त कराने में सक्षम होता है। और पितरों को श्रीमद् भागवत कथा अगर हम सुन के उनको पुण्य दे दें तो इससे बड़े कोई कर्म नहीं हो सकता। और ये बहुत बड़ी कृपा है उन्हीं की कि हम ये कथा सुन भी पा रहे हैं। और पितरों को प्रसन्न करने का ये बहुत सुंदर दिन होते हैं, उनकी प्रसन्नता अगर हो जाए तो हमारे बहुत सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं, वंश वृद्धि होती है, हमारे काम में वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, नाम की वृद्धि होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, आज आपका संकल्प था, आपने बात किया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप व्यास गद्दी से तो बोले, लोगों को क्या संदेश, किस तरह से मानव एक जुड़ सकता है हिंदू और सनातनी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग हिंदुत्व की बात तो करते हैं पर हिंदू अपने धर्म को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन हमको एक बात समझनी होगी, जितने और पंथ हैं वो अपने धर्म को बचाने के लिए पूरे विश्व में एकजुट होकर हिंदू को कन्वर्ट करने का भी प्रयास करते हैं। और मोस्टली अगर आप कन्वर्जेशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हिंदू का ही कन्वर्ट होता है। तो क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है हिंदू को? हम लोग तो किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहते नहीं। तो धर्मो रक्षति रक्षितः,
इसका अभिप्राय यह है कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, हमें जागरूक होना होगा, हमें अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाना होगा, संस्कारी बनाना होगा। जीवन में महत्वपूर्ण जीवन जीने का तरीका एकमात्र सनातनी है, और कोई नहीं है। इसलिए अगर हम अपने बच्चों को सनातनी बना पाए तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। ये सारी जानकारी जानने के लिए, आगे सनातन की लड़ाई हम लोग कैसे लड़ेंगे इसको जानने के लिए, तो आप सबसे मेरा निवेदन है vssccm.org इसका विजिट करें, कृष्ण भूमि के लिए वोट करें, और आप सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार।